अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। चलो आप आवेदन लेके आओ। कोई क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही बोला एफ आई आर दर्ज कराइए, आप तो करवा दीजिए। क्या नाम आपका? अमृता विजय वर्मा। आप लोग अभी रात थाने में क्यों आए? रोज रात को आतंक मचा रखा महीन सिंह ठाकुर ने, गाली गलौज कर रहा है ओपनली, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे डर के मारे, परेशान कर रखा है बिल्कुल। आधी रात को घूमता है, गाने बजा रहा है, स्पीकर बजा रहा है, रात को 1 से लेकर सुबह 5 बजे तक पुलिस की गाड़ी आ रही तब भी उसके गाने बंद नहीं हो रहे, ना घर से कोई बाहर आता है, कोई पुलिस आती तो भी। पहली बार कर रहा है इसके पहले भी करता था? बहुत बार कर चुके हैं, पहले भी आए आप लोग? बहुत रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है पर कुछ नहीं हो रहा है। अभी बीच में कुछ मारपीट भी हुई थी उनके साथ में शायद? हमको नहीं पता, हम लोग नहीं करते कुछ। तभी क्या थाने पे आए थे, क्या बोला गया आपको? बोला है कि आप रिपोर्ट करवा दीजिएगा, एफ आई आर करवा दीजिए, बाकी अब आप लोग देखिए। कौन है महेंद्र सिंह ठाकुर? है हमारे घर के जस्ट पास में रहता है। कौन सी कॉलोनी में? शिवम स्टेट। मकान नंबर 225 है हमारा। हमारे घर के पीछे भी आतंक मचा रखा है, वहाँ भी पता नहीं क्या क्या करता रहता है, रात भर गालियों में घुसता रहता है, गंदी गंदी गालियाँ बक रहा है ओपनली, मेरे सामने भी गालियाँ बकता है पता नहीं किस किस को। पहले भी एफआईआर हो चुकी है ना? हाँ पहले भी एफआईआर। अभी आपकी टीए साहब से बात हुई? हाँ हुई है ना। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही बोला एफआईआर दर्ज कराइए, आप तो करवा दीजिए। क्या नाम है आपका? अमृता विजय वर्मा। इससे पहले भी मैं थाने पे आ चुकी हूँ, 1 महीने पहले दशहरे के दिन महेंद्र सिंह ठाकुर ने पिछले 5 साल पहले भी हमको गाली दिया था, और 5 साल के बाद दशहरे के दिन उसने ड्रिंक करके रात में मेरे हस्बैंड को खुली गाली दी कि अगर कुछ करोगे तो तुम्हारी माँ बहन और ये सब ऐसी ऐसी तैसी कर दूंगा, रहना मुश्किल कर दूंगा। उसके बाद जस्ट उसने कल रात को भी यही हरकत की। मैं 262 शिवम स्टेट में रहती हूँ, हस्बैंड वाइफ, 2 बेटियाँ हैं मेरी, 16 साल की बड़ी बेटी है, और उसने मतलब रहना मुश्किल कर दिया। जस्ट मेरे घर के सामने एक खंडहर बहुत पुराना किसी का घर है, उसके ओनर का भी कुछ क्लियर पता नहीं चल पा रहा है, तो इसने कब्जा करके उसमें रखा हुआ है, और रोज जैसे ही सबका सोने का टाइम होता है 10:30 के बाद वो डेली आके वहीं ड्रिंक करता है, और एक दो लोग और आते हैं उससे मिलने जुलने, वहाँ पे ड्रिंक करने के बाद वो बालकनी पे खड़ा होता है, दहशत मचाता है, इसके बाद सिर्फ पीछे का पूरा सर्कल राउंड मारता है। इवन कल तो उसने स्ट्रीट लाइट भी बंद कर दी, और बोल रहा था कि मुझे डे विजन नाइट विजन का सब अच्छे से पता है, मुझे पता है कौन कितना सेफ्टी रखते हो, और वो बोल रहा था महापौर को भी मैं देख लूंगा साले को, किसी से भी नहीं डरता हूँ, अब मैं सबको देखता हूँ। कौन है महेंद्र सिंह ठाकुर? ये महेंद्र सिंह ठाकुर यहीं का कांग्रेस का पूर्व पार्षद रह चुका है, और वो जानबूझ के मतलब पागलपन का नाटक करता है कि मेरा दिमाग सही नहीं रहता है, मेरे बेटे की डेथ हो गई, पर जो उनकी हरकतें हैं वो मुझे लगता है कि पागलपन से नहीं, वो जानबूझ के कर रहा है और परेशान कर रहा है। अब या तो हम लोग परेशानी में कुछ कर दें उल्टा सीधा, या तो अब है ना उसकी जवाबदारी फिर कौन लेगा। अभी आप थाने पे क्या बोले पुलिस वाले? थाने पे मैंने अभी टीआई साहब से बात की, मैं बोली आप मतलब पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ाइए हम लोगों के लिए, क्योंकि हम सेफ नहीं है, हमारे बच्चे सेफ नहीं, मेरे हस्बैंड का कभी बीच में बाहर आना जाना रहता है, इसकी मतलब बड़ी कॉलोनी में अगर हम जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा के घर लिए हैं तो सेफ्टी के लिए लिए हैं, सुकून से सोने के लिए लिए हैं। ऐसे कॉलोनी में महापौर जी आगे रहते हैं शिवम स्टेट, उनसे बात हुई आपकी? हाँ उनसे फोन पे बात हुई, उनसे भी फोन पे बात हुई थी। आपका नाम? पूजा नाम है मेरा, पूजा सिंह मेवाड़ा।